हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी एक सैंडविच मेकर मशीन की सर्च कर रहे हैं जो आपको हेल्प करे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने में, तो आपका वीडियो आज पूरा देखना चाहिए। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे प्रेस्टीज की सैंडविच मेकर मशीन को, जिसको हमने अमेजन से परचेज किया था, और जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में जो इसको अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट बनाती है। तो वीडियो पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने पहले ही बॉक्स को अमेजन की पैकिंग से अनपैक कर लिया था। अब मैं आपको फटाफट बता देता हूँ सैंडविच टोस्टर मशीन के बारे में। ये प्रेस्टीज की हमने ऑर्डर की थी। इसका जो मॉडल है वो है PSFMD01। इसका मतलब होता है कि मॉडल का प्रेस्टीज सैंडविच मेकर फिक्स प्लेट, मतलब इसका मतलब बेसिकली ये है, जो आपकी सैंडविच की प्लेट्स हैं वो फिक्स्ड होंगी, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। बाकी जो कई सैंडविच मशीन आती हैं तो आप उस पर की जो सैंडविच की प्लेट्स होती है आप उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको वॉश करके फिर से फिक्स कर सकते हैं। बट इस वाली टोस्टर जो सैंडविच मशीन है, जिसको टोस्टर मशीन भी कहते हैं, उसमें आप अपनी इन प्लेट्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जो इसकी मशीन की मुझे खास बात लगी, उसमें सबसे तीन बेस्ट जो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट तो ये थी कि 800 वॉट की मशीन है। इसका मतलब फास्ट कुक करेगी, फास्ट हीट करेगी, जो आपको एक हेल्प करेगी टोस्ट को फटाफट बनाने में। सेकंड थी इसकी नॉनस्टिक सैंडविच प्लेट्स थी जो एल्युमिनियम की हैं, तो उसमें आपको ऑयल कम लगाना पड़ेगा और जलने के से चिपकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कंपनी क्लेम करती है। और थर्ड जो है ये हीट रेसिस्टेंट है। इसकी बॉडी जो है बेकलाइट वाली बॉडी है, तो ये हीट कम करेगी, मतलब कंपनी क्लेम करती है हीट नहीं करेगी, बट जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ऐसा होता नहीं है। जब भी आप कुक करेंगे इसमें तो मशीन हीट जरूर करती है। तो फटाफट आप इसको बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं मशीन अंदर का डिज़ाइन कैसा है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और इसको मशीन को बाहर निकालता हूँ बॉक्स से। तो इसको बॉक्स का करते हैं साइड। तो इस तरीके से बॉक्स के अंदर ये आपकी प्रेस्टीज की मशीन आ जाती है सैंडविच मेकर। और बॉक्स के अंदर देखें तो कुछ भी नहीं है। बॉक्स को कर देते हैं 2 मिनट के लिए साइड। तो इस बॉक्स में आपको एक मिल जाती है इसकी मैनुअल, जिसको आप पढ़ सकते हैं, PSFMD01 की यूज़र मैनुअल। इसमें बेसिकली कुछ ऐसा खास है नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं रीड करके। और आपको मैं फटाफट अब मशीन दिखाता हूँ, मशीन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, प्लस कैसी इसकी कोड वगैरह की लेंथ की है। तो उसको रिमूव करते हैं पॉलीथीन से, और ये है हमारी प्रेस्टीज की सैंडविच मशीन। तो फटाफट आपको मशीन के बारे में बता देता हूँ, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। आपको यहाँ पे एक रेड लाइट और ग्रीन लाइट मिल जाती है, मतलब रेड मतलब होता है कि मशीन हीट कर रही है, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि वो कुक कर चुकी है, वो हीट नहीं कर रही है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको ऑन करेंगे तो ये रेड करके हीट करना स्टार्ट करेगी, और जब ये कुक कर लेगी आपके सैंडविच वगैरह जो आप इसमें कुक कर रहे हैं, तो ग्रीन लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो कुक कर रहे थे ब्रेड को या सैंडविच बना रहे थे वो कुक हो चुके हैं, तो ये इसको हेल्प करती है। बात करें इसकी बॉडी की, जो स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बताया था, ये बेकलाइट बॉडी है, हीट रेसिस्टेंट है, जो कंपनी क्लेम करती है। कंपनी के अकॉर्डिंग बॉडी हीट नहीं करेगी जब आप इसको कुक करोगे, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि 800 वॉट की ये मशीन है तो इसका हीट करना जायज़ है, ये हीट करेगी। और इसकी अगर कोड की बात करें तो आपको 1 मीटर की कोड मिल जाती है, जो कि थोड़ी शॉर्ट है, ऐसा होना ही चाहिए। कंपनी को थोड़ी लॉन्ग लेंथ की कोड प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि होता ये है हर एक के घर में किचन में इतनी पास सॉकेट वगैरह नहीं अवेलेबल होते, तो उसके लिए इसकी कोड लंबी होनी चाहिए थी, बट कंपनी ने 1 मीटर की कोड प्रोवाइड कर रखी है इस मशीन के साथ। अब इसको आपको मैं ओपन कर इसमें इसको रिमूव करता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे देख पाएँ तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसकी जो नॉन स्टिक प्लेट्स है एल्युमिनियम की, इसमें बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको लेस ऑयल का यूज़ करना पड़ेगा, और आपकी जो ब्रेड वगैरह वो इसमें चिपकेगी नहीं ईजिली, तो इस तरीके से थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। और उसको अगर क्लीन करने की बात करें तो आप टिश्यू पेपर को यूज़ करके इसको क्लीन कर सकते हैं, मगर इसमें फिक्स प्लेट है इसलिए आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। कई जो सैंडविच मशीन आती है प्रेस्टीज की, उसमें ऑप्शन है कि आप इसकी प्लेट्स को रिमूव कर सकते हैं और उसको बाहर वॉश करके क्लीन करके फिर से फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके का साइज़ है। अब मैं आपको इसमें फिट भी करके दिखाऊंगा, जो इंडियन के स्टैंडर्ड हार्वेस्ट वगैरह की ब्रेड आती है उसको यहाँ पे फिट करके दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो उसका साइज़ है सैंडविच का मशीन के जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड है या नहीं, क्या ब्रेड का जो लोफ होता है वो बाहर निकलता है या नहीं, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से मशीन है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी। आपको अगर मैं बैक साइड से दिखाऊं तो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, यहाँ पे अगेन आपको मेंशन करके इसका मॉडल PSFMD01 सैंडविच टोस्टर पेस्टीज की आ जाती है, और ये मेड इन इंडिया है, तो मुझे अच्छी बात लगी, मशीन जो है मेड इन इंडिया है, तो जो एक इंडिया को सपोर्ट करने वाली चीज़ है। और बिल्ड क्वालिटी की देखें तो आपको महसूस हो जाएगा। तो इससे क्या कि कुछ मशीन आपको मैं एक बार 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ तो आप थोड़ा देख पाएँ। आपको यहाँ पे लॉक करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से, जिससे आप लॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ मशीन है ये, जो इसका बस एक ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा कि इसकी जो कोड की लेंथ है वो अराउंड 1 मीटर ही है, जो कि बहुत कम है, हर एक के किचन में सॉकेट अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह लगाना पड़ सकता है। तो अगर कंपनी इसको 2 मीटर की केबल देती थी कोड इसकी, तो बहुत हेल्पफुल होता।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फटाफट इसको किचन में लेके चलते हैं और इसके साइज़ को भी चेक करते हैं कि इसका जो साइज़ है सैंडविच का वो स्टैंडर्ड साइज़ से छोटा है, बड़ा है या कैसा है। और इसमें आपको मैं कुक भी करके दिखाऊंगा सैंडविच को, तो उससे आइडिया आपको लग जाएगा कितनी फास्ट कुक होता है। और जो आपको मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि ऑन और ऑफ़ कैसे वर्क करते हैं, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने मशीन को किचन में फिट कर दिया, आप देखें तो ये हार्वेस्ट की स्टैंडर्ड ब्रेड जो आती है, और ये मैंने अपने सैंडविच बना लिए। अब इनको मैं यहाँ पे रखता हूँ और आपको दिखा के दिखाता हूँ कि कैसे कुक होते हैं फटाफट। तो मैं ऑन कर देता हूँ इसको। तो आपको मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, आप रेड लाइट यहाँ पे ऑन हो चुकी है, इसका मतलब ये हीट होना स्टार्ट हो गया। जैसे भी हीट हो जाएगा फिर यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाती है। तो मैं इसके अंदर अभी ये सैंडविच जो बनाया है मैंने इनको रख देता हूँ और देखते हैं कितने फास्ट ये प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एकदम परफेक्ट फिट बैठा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो आप स्टैंडर्ड साइज जो मैंने आपको बताया था ये स्टैंडर्ड साइज आता है, तो आप ब्रेड यहाँ से बाहर नहीं निकल रही है। अब इसको मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो ग्रीन लाइट जल चुकी है, इसको मैं ओपन करता हूँ। और जो आपको मैंने बताया था कि बेकलाइट बॉडी होने के बाद भी ये हीट करता है, तो आप देख सकते हैं इसे गर्म है, बट अच्छी बात ये कि जो इसके हैंडल्स हैं वो एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी आपको गर्मी या हीट महसूस नहीं होगी। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। तो आप देख पाए तो हमारे सैंडविच एकदम रेडी है खाने के लिए। तो इस तरीके से मशीन है हमारी प्रेस्टीज की। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है इस मशीन से रिलेटेड कि सैंडविच मेकर मशीन और कैसी हो सकती थी, या आपके मन में कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई करने का कोशिश जरूर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।